बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मैं अहमद मुख्तार मिर्ज़ा और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे लिए ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में क्या कैरियर ऑप्शन हैं और कैसे हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं इससे पहले कि इसकी डिटेल हम स्टार्ट करें एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि हमें अपनी लाइफ में एक टारगेट सेट करना चाहिए इसलिए कि अगर आपका कोई टारगेट नहीं है तो आप अपना एक कैरियर या गोल सेट नहीं कर सकते और आप एक टारगेट को हिट नहीं कर सकते अगर आप उसको देखे नहीं और अगर आप एक टारगेट को देख ही नहीं सकते उस वक्त तक जब जब तक आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है और उस वक्त तक आपके सामने एक टारगेट आता भी नहीं है जब तक आप उसके बारे में ड्रीम नहीं करें तो इसे हम इंग्लिश में यू कहते हैं यू कांट हिट अ टारगेट इफ यू कांट सी इट इफ यू कांट सी अ टारगेट इफ यू डोंट हैव इट एंड यू हैव अ टारगेट इफ यू डोंट ड्रीम इट तो इसलिए ख्वाब देखें सोचें और उसके बाद एक टारगेट बनाएं उसको सेट करें और उसको अचीव करने का एक प्लान करें तब जाके आप टारगेट को सक्सेसफुली हिट कर सकते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट्स को वैसे भी अनफॉर्चुनेटली हम बहुत इजी लेते हैं अगर किसी ने डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है वो ऑन एवरेज फॉर एग्जांपल अगर पंद्रह साल कुछ स्पेशलाइजेशन करते हैं बीस साल स्टडी करने के बाद एक प्रोफेशनल कैरियर का वो स्टार्ट करता है तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम स्टडी नहीं करते टाइम भी नहीं देते और दो चार माह ट्रेडिंग करके तो फिर हम चाहते हैं कि हम इसमें कैरियर बना लें तो डेफिनेटली ये एक मुनसिफाना रवैया नहीं है तो इसलिए सबसे पहले तो टारगेट बनाएं और उसके बाद ये है कि आप रिलेटेड एजुकेशन हासिल करें और फिर अब हम डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल बिजनेस में हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं इसमें क्या क्या कैरियर है इसमें आप फाइनेंशियल एनालिस्ट या कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं जब आपका एक्सपीरियंस हो आप एनालिसिस कर सकते हैं इसी तरह मुख्तलिफ़ बैंक्स में और इन्वेस्टमेंट कंपनीज में जो पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं हेज फंड मैनेजर होते हैं जो म्यूचुअल फंडस ट्रेड करते हैं या एसेट मैनेजर्स होते हैं ये सारे डेफिनेटली इसी फील्ड से स्क्रैच रूट से ग्रो करके आगे एक्सपीरियंस गेन करके मुख्तफ जगहों पर जॉब्स कर रहे होते हैं अगर आप जॉब के साथ साथ अपने काम के तौर पर एक एंट्रप्रियर के तौर पर या बिजनेस मैन के तौर पर अपना जाती बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप उसमें पर्सनल ट्रेड भी कर सकते हैं आप एक इन्वेस्टर के तौर पे अपने फंड इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप एक इन्वेस्टर बन सकते हैं और किसी के फंड ट्रेड करते हैं तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में या किसी भी कंपनी के साथ अटैच हो के आप फाइनेंशियल ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर या कमोडिटी ब्रोकर जो कि डिफरेंट एक्सचेंजेस और डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस को डील करते हैं इसी तरह अगर इवन कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर भी है तो उसको अगर इस बिजनेस का नॉलेज नहीं है तो वो प्रॉपर इंटीग्रेशन और वो चीज़ें सेटअप नहीं कर सकता तो एक सॉफ्टवेयर जो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर uh, और इंटीग्रेशन डेवलप uh, करते हैं तो उनके लिए भी इस फील्ड में एक बहुत अच्छी ऑप्शन है इसको अगर हम ओवरऑल एक ब्रॉडर व्यू में देखें तो चाहे किसी ने स्टॉक एक्सचेंज में पी का शेयर ट्रेड करना है या माइक्रोसॉफ्ट का शेयर खरीदना है या कमोडिटी एक्सचेंजेस में उसमें गोल्ड ट्रेड करना है या उसमें वीट ट्रेड करना है या कोई भी प्रोडक्ट ट्रेड करनी है कोई भी बॉन्ड ट्रेड करना है या ऑफ एक्सचेंज प्रोडक्ट्स हैं फॉरेक्स और सी और क्रिप्टो करेंसीज वगैरह या किसी भी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी में उसने जॉब करनी है या कोई भी और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं चाहे वो बैंक्स हैं क्योंकि बैंक्स के भी ट्रेजरी डिपार्टमेंट में ये ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की ट्रेड होती है एक हिस्सा दिस इज द दि मोस्ट लिक्विड वन क्योंकि इसमें क्या होता है कि बैंक्स के फंड एनी टाइम लिक्विड शेप में अवेलेबल होते हैं तो बैंक एक सर्टन फंड्स का पोर्शन लिक्विड शेप में ही रखता है फॉर पॉसिबल विद्रावल्स और तो ये आप अगर फॉर एग्जांपल अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि करना है या कस्टमर्स का जैसा की स्टॉक मार्केट की एग्जाम्पल है अगर पाकिस्तान में किसी ने पीटीसीएल के शेयर बाय करने है तो डेफिनेटली वो डायरेक्ट एक्सचेंज में तो नहीं जाएगा वो जो मेम्बर्स है एक्सचेंज के उनके पास जाएगा जो ब्रोकर्स हैं उनके थ्रू वहाँ पे बाइंग सेलिंग होगी जो लिस्टेड प्रोडक्ट होती हैं जिस एक्सचेंज में तो अब अगर उसने खुद डिसीजन लेना है तो वो एज ए इन्वेस्टर नॉलेज गेन करके ट्रेड करेगा अदरवाइज वो किसी कंसल्टेंट या एनालिस्ट की सर्विसेज ले सकता है या कोई फंड मैनेजर हायर करके उससे अपना एक पोर्टफोलियो मैनेज करवा सकता है तो ये सारी ऑप्शंस हैं जो राइट फ्राम स्टडीज जब आप स्टूडेंट हैं या आप प्रोफेशनल्स uh, हैं और एज ए पार्ट टाइम इस बिजनेस को अडोप्ट करना चाह रहे हैं तो इसमें चूँकि हमें सिर्फ ऑनलाइन इंटरनेट की एक्सेस चाहिए होती है एंड वी कैन ट्रेड फ्राम इवन मोबाइल आप uh, अपनी कंप्यूटर uh, से लैपटॉप से मोबाइल से ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं तो इसमें चाहे आप पार्ट टाइम करें या फुल टाइम तो ये सारी ऑप्शंस हैं कि आप अगर जॉब करना चाहें या अपना बिजनेस करना चाहें या अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ये सारा एक ब्रॉडर वे में एक स्कोप है और ये सेकंड लार्जेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑन अर्थ है और डेफिनेटली इसमें एक ग्लोबल बिजनेस हम इसीलिए कहते हैं इसको कि ग्लोबल विलेज की तरह है हम अपने घर बैठ के चाहे अमेरिका के शेयर्स में बाइंग सेलिंग करें या लंदन के शेयर्स में करें या पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स में करें इट ड मेक एनी डिफरेंस एट ऑल और ये है कि हम ओवर क्लिक ऑफ माउथ ये सारा कुछ कर सकते हैं आई होप सो कि आपको कुछ इस बिजनेस के बारे में आइडिया होगा फर्दर हम इंशाल्लाह बाकी वीडियोज में डिटेल डिस्कस करेंगे खुदा